वोट उनके टिकट बीजेपी बांटेगी, सरकार बन जाएगी। कह रहा है कि अब जिला पंचायत में उनको वोट तो जनता ने दी नहीं, और सारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उन्हीं के बने, एक आधा दिखा तो कैसे उन्होंने वोट ली। तो 22 में इसी तरह से दोबारा सरकार, कह रहा कि आपने थोड़ा सा दिखाने की तो कोशिश करी थी कि इन्होंने गलत करा, आपके सारे घरों पर जा लिए थे पुलिस के लोग, ईडी सारी घरों पर जा ली थी आपके, नहीं तो कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, जो इनके खिलाफ बोल लगा उसका ताड़ा लगागा, बिजली चोरी लगाऊंगे आपके मीडिया हाउस पे, आपने सैलरी नहीं दी ये एलिगेशन लगाऊंगे, आपने टैक्स जमा नहीं करा ये एलिगेशन लगाऊंगे, आपकी बिल्डिंग नक्शे के हिसाब से नहीं बन रही वो लगाऊंगे, आप बस 10 तरह के एलिगेशन लगाऊंगे आप। तो आपके कहने का मतलब क्या कि मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ठीक है, नंबर एक है झूठ पे सरपिटी का टीम, 2022 में बंदूक की ताकत पे सरकार बना लेंगे, बिल्कुल बंदूक की ताकत पे बनाएंगे, जैसे तालिबान बनाई ऐसे ही बना लेंगे। अरे बनाई नहीं क्या सरकारी उस पर नहीं बनाई, अभी देखा नहीं आपने भाई, एक वोट अगर उसने वोट नहीं दी तो उसके घर पे जेसीबी खड़ी कर दी, कह लगा ये मकान 40 साल पहले तेने तालाब में बना था, वो खसरा नंबर गांव समाज की भूमि में लगा दिया, कह लगा इलीगल बनाओ या तो वोट दे दे नहीं तो इसे हटावे। ठीक है सर, अंतिम सवाल आपसे, तमाम जिलों में आप दौरा कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से किस तरह से अपील कर रहे हैं कि 22 का चुनाव आने वाला, आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं? हम तो अपने धान बेचने की कर रहे हैं, हम चुनाव की फुर्सत है, हमें हमारा धान आधे रेट में बिक रहा है, इसकी कर रहे हैं कैसे बिका।